की चाहत बना और विदा कराई ले जइयो के नैया हमेली जवाब दिया कि हे मोहन कुछ भी करो मुझे ले जाओ, इधर रुकमणी रो रही है। और ये सर्वेश भैया जी, उनका सुपुत्र हिमांशु यादव माल्यार्पण कर रहा है। भगवान से कामना है कि हे गोविंद सुख और संपत्ति प्रदान हो, ये बड़ा होकर के माता पिता का नाम रोशन करे, किसी भी बात की कमी न हो, यही भगवान से अभिलाषा और आकांक्षा है। और ये 200 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं साक्षी टेंट हाउस रिटोली से भैया। और ये रामवीर सिंह नंगला पंची से 100 रुपए से सम्मानित। इधर जब रुक्मणी रो रही है तो सुदेव नाम के ब्राह्मण आ गए, बोले माता भिक्षा देही, अरे भीख दे दो। रुक्मणी रो रो के बाहर आई है, सुदेव नाम के ब्राह्मण पूछने लगे, लाडो का बात है, काय को रो रही, जवाब दो, कुछ मत पूछो महाराज, आप नहीं जानते कि मेरी कृष्ण से प्रेम अटूट है और मैं बिना कृष्ण के कहीं और विवाह नहीं कर सकती, और मेरा भाई अपने साले के साथ में विवाह करवा रहा है। गोविंद की कृपा अगर हो जाए तो मैं एक चिट्ठी लिख रही हूं, आप उस चिट्ठी को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। ब्राह्मण बोले लड़की क्या पागल हो गई, अरे यहां से 750 कोस दौरे का है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं। जब रुक्मणी ज्यादा रोई है तो ब्राह्मण बोले लिख दे चिट्ठी, मैं पहुंचा दूंगा। तो रुक्मणी एक अक्षर लिखती, आंसू टपकता फिर मिट जाता, फिर एक अक्षर लिखती फिर आंसू टपकता फिर मिट जाता। तो रुक्मणी रोई के बोली है कि हे गोविंद,
और ये परम सद्य परम सम्माननीय श्री महावीर सिंह यादव प्रधान जी कथुआ से आए हुए 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और पुत्र विपन यादव कथुआ से सभा में सम्मानित किया है। ठाकुर जी से कामना है कि हे गोविंद हमेशा ये प्रधानी पद पर बने रहे, जो भी दिल की इच्छाएं हों वो पूर्ण हों। ठाकुर जी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे परिवारों पर बरसाता रहे, यही मेरी अभिलाषा और आकांक्षा है गोविंद से। आज चिट्ठी लिख करके महाराज वो पत्र ब्राह्मण देवता को दिया। ब्राह्मण उस चिट्ठी को लेकर के चले, कछु देर चले, थक गए, चलो नाए जाए रहे हो तो आज भगवान से ध्यान करने लगे कि हे कन्हैया अब हमसे चला नहीं जा रहा, आप मुझे बुला लीजिए। प्रेम सुदन हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के बोलेंगे ताकि रुक्मिणी की चिट्ठी भगवान तक पहुंच जाए। मेरी